समाजवादी पार्टी से दूरी बना चुके सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के लिए भारतीय जनता पार्टी में कोई वैकेंसी नहीं है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने वाराणसी में शनिवार को कहा कि उनके पास फिलहाल कोई काम बचा नहीं। बिल्कुल, उनकी छड़ी सहारा खोज रही है, बिना किसी ठोस सहारे के उनकी छड़ी बेसहारा हो जाती है। मैंने लखनऊ में भी कहा कि ओम प्रकाश राजभर की छड़ी सहारा खोज रही है, आप बिना सहारा की वो बेसहारा हो जाती है। हमारे यहाँ कोई जगह नहीं, कोई वैकेंसी नहीं, कोई वो उनका मन करे वो अपना। मैं क्या कह रहा हूँ कि वो सहारा खोज रहे हैं, जो कभी योगी जी ने मोदी पे हावी रहते थे, सहारा खोजने का वो एक उनका प्रयास है। और चलिए अब बात वाराणसी की करते हैं। वाराणसी से जो खबर सामने आई है वो खबर दिखाते हैं आपको, लेकिन उससे पहले एक बड़ी जानकारी आपको दे दें। वाराणसी में लगातार जो आफत की बारिश है वो कम होने का नाम नहीं ले रही, और इसी तरीके का हाल कुछ उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से भी सामने आया। बिल्कुल, कहने के लिए ये राहत की बात है, लेकिन प्रयागराज में अभी भी तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। सैलाब संकट बनकर आया था और तबाही के निशान छोड़ गया। कल तक बाढ़ का जो पानी शहर के अंदर लोगों के घरों में घुसा हुआ था, अब वहां पानी का नामो निशान नहीं है। प्रयागराज की इन तस्वीरों से समझा जा सकता है कि कुछ दिन पहले जिन रास्तों पर नाव चलाई जा रही थी, अब वहां गंदगी का बसेरा है। जलस्तर नीचे जाने के बाद अब बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। कॉलोनी और मोहल्ले में कीचड़ और सिल्ट जमा हो गए हैं। जलस्तर नीचे जाने के बाद भी लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है, जिसकी साफ सफाई में लोग जुट गए हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग, प्रशासन और नगर निगम सफाई को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। प्रयागराज के जिलाधिकारी युद्ध स्तर पर सफाई के दावे कर रहे हैं। हम लोग जितने मोहल्ले और गांव है, हर जगह हमारे सफाई कर्मचारियों की और सैनिटेशन इंस्पेक्टर्स की काफ़ी बड़ी टीम लगी है। हमने बाकी मोहल्लों से और गांवों से भी सफाई कर्मचारियों को यहां पर शिफ्ट किया है, तो बहुत बड़ी टीम है, साफ सफाई फिलहाल लगी हुई है। और इसके अलावा एंटी लार्वा का छिड़काव है, फोगिंग है, साफ सफाई है, मेलाथियन है, पायरेथ्रम आदि का छिड़काव भी किया जा रहा है। प्रयागराज में सरकारी दावे कागजी ही साबित हो रहे हैं। लोग परेशान हैं, सभी जगह गंदगी का बसेरा है, लोग गंदगी के बीच ही जीवन गुजारने को मजबूर हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोग अपने घरों की सफाई तो खुद ही कर ले रहे हैं, लेकिन सड़कों, गलियों और सार्वजनिक इलाकों में अब भी गंदगी जस की तस कायम है। कीचड़ की वजह से चलना फिरना भी मुश्किल है। जो अधिकारी है वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन उनके ये दावे जो है वो कागजों पर ज्यादा नजर आ रहे हैं और हकीकत में कम नजर आ रहे हैं। तो प्रयागराज में एक बार तेजी से साफ सफाई किए जाने की जरूरत है, ताकि गंदगी की वजह से संक्रामक बीमारियां फैलने का जो डर है वो डर ना रह जाए और लोग संक्रामक बीमारियों की चपेट में ना आने पाए। लोगों ने पहले ही बाढ़ की वजह से काफी मुसीबत झेली है, उनकी मुसीबत अब संक्रामक बीमारियों में तब्दील ना होने पाए। बाढ़ प्रभावित इलाके में रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मच्छरों का प्रकोप तेजी से फैल चुका है, इससे कई संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ चुका है। गंदगी और जो है गंदगी से हम लोग ज़्यादा परेशान होंगे, क्योंकि यहाँ मच्छर और मलेरिया फैलने का बहुत ज़्यादा हम लोग को दिक्कत यही होगी। बाकी तो जो भगवान का कुदरत की मार थी वो तो चली जाती है, लेकिन गंदगी और यहाँ सफाई की देख लीजिए आप। हालांकि स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की ओर से सफाई कराई जा रही है, दवाओं का छिड़काव कराया जा रहा है, लेकिन ये उपाय अभी नाकाफी ही है। ऐसे में बचाव के जल्दी ही पर्याप्त इंतजाम नहीं कराए गए तो महामारी फैलने की आशंका बढ़ जाएगी। एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। और अब बात वाराणसी की, जहां गंगा का जल स्तर तो घटने लगा, लेकिन घाटों पर कीचड़ और गंदगी का अंबार लग गया, और इसके चलते अब बीमारियों का खतरा बढ़ता देखकर सफाई अभियान शुरू कर दिया गया। अपना रौद्र रूप दिखाने के बाद अब गंगा की लहरें वाराणसी के घाटों से पीछे हटने लगी है। जलस्तर बढ़ने की वजह से वाराणसी के सभी घाट गंगा के आगोश में समा चुके थे, लेकिन अब गंगा के जलस्तर में तेजी से कमी आना शुरू हो चुकी है।
हालांकि पानी तो कम होने लगा है, लेकिन इससे गंगा के घाटों और उसके आसपास के इलाकों में मुश्किलें कम नहीं हुई है, क्योंकि घाट कीचड़ और गंदगी से पटे हुए हैं, जिन्हें जल साफ नहीं किया गया तो संक्रामक बीमारियां दस्तक दे सकती हैं। बात करें तो बाढ़ अपने साथ मिट्टी और कूड़ा लेकर जो आई है वो आने वाले दिनों में कहीं संक्रामक बीमारियों का कारण न बने, इसलिए यहाँ पर अभियान चलाया जा रहा है। 80 घाट के किनारे का ये दृश्य है और देखे यहाँ पर सफाई हो रही है। ये वाराणसी के प्रसिद्ध 80 घाट की तस्वीरें हैं, जहाँ गंगा की लहरें अपनी सीमाओं की तरफ वापस जाने लगी है, लेकिन पीछे छोड़ गई कीचड़ और गंदगी की मोटी परत, जिसे साफ करना घाट और उसके आसपास के घरों में रहने वाले लोगों के लिए अब बड़ी चुनौती है। पड़ा हुआ ये सड़ांध गंध इसमें आ रही है और मलेरिया डेंगू फैलने का बहुत खतरा पैदा हो गया है, इसलिए हमने जो है स्वास्थ्य अधिकारी से विनम्र निवेदन किया और वो बोले कि 12 बजे तक पंप और सारा साजो सामान भेज रहे ताकि जल्द से जल्द सफाई हो जाए। फिलहाल संक्रामक रोगों की रोकथाम और गंगा घाटों को उनके पुराने स्वरूप में लाने के लिए वाराणसी नगर निगम और जिला प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया है और घाटों की सफाई का काम शुरू हो चुका है, लेकिन इसमें अभी लंबा समय लग सकता है। जल्द से जल्द ये कार्य हो, लोगों को संक्रामक बीमारियों का भी भय सता रहा है, लेकिन जो घाट की स्थिति है वो हम आपको दिखा रहे हैं। प्राचीन घाटों का दृश्य जो कभी लोगों के आकर्षण का केंद्र होता था अब मिट्टी में समाये हुए हैं और उस मिट्टी की सफाई के तमाम तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। परेशानियां हो रही हैं, लेकिन लोग प्रयास कर रहे हैं कि फिर से घाट उसी मूर्त रूप में वापस लौटे। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।